अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। राम राम किसान भाइयों, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कल आपसे हमारी बात हुई थी नाभि के विषय में, रोग के विषय में। आज आप लोगों से बात करना है रतौंधी, रात को दिखाई न देने वाला बीमारी के विषय में। ये बीमारी बछड़ा और बछड़ियों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये बीमारी का कारण किसान भाई आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ क्यों होता है ये बीमारी। बछड़े बछड़ी में भी होता है, बड़े पशु में भी बीमारी हो सकती है, होता भी है। बहुत लोग हम देखे हैं, बहुत जगह जाकर इलाज किए हैं, बताए हैं दवाई, अंग्रेजी की आयुर्वेदिक दवाई बताए हैं। किसान भाई आप लोगों को छोटे बछड़ा बछड़ी में विटामिन ए और डी की कमी हो जाएगी तो ये बीमारी 100% होना ही होना है। बड़े मौसी में भी विटामिन ए और डी की कमी हो जाएगी तो बीमारी होगा। कारण बता दिया है, अब आप लोग को लक्षण बताने जा रहा हूँ। लक्षण इसमें क्या दिखाई देगा, जैसे बछड़ा बछड़ी है, दूध खोल पीने के लिए खोलिएगा ना, तो इधर से उधर शाम के टाइम में, दिन में बीमारी नहीं पता चलेगी, रात को ही पता चलेगी। खोलिएगा, शाम हो जाएगा, रास्ते ना जाके इधर से उधर भटकने लगेगा। आप समझ जाइएगा दिखाई नहीं दे रहा है उसको, या आपको खाना पीना डालिएगा ना, तो डालिएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। मानिएगा खाना खाने के लिए तो इधर से उधर टटोलते रहेगा, रात में दिखाई ही नहीं पड़ेगा। बड़ी मौसम में भी आप बांधने के लिए खोलिएगा रात में ना, तो इधर से उधर, ये रात का बीमारी है, इसीलिए रतौंधी या रात का बीमारी इसको कहा जाता है, ना दिखाई देना इसका। ये आपको हम बता दिए, यही आपका लक्षण है, यही दिखाई देगा लक्षण। अब इसके विषय में अब दवाई बता रहे हैं आपको, इसमें क्या करना है। जैसे विटामिन ए और डी का कोई भी ले लेना है, जैसे फ्लोरा बूस्ट आता है उसमें विटामिन ए और डी होता है, उसमें 15 से 20 ग्राम छोटे बच्चे को, 15 से 20 ग्राम छोटे बच्चे को सुबह शाम देना है। और बड़े मवेशी को जैसे न दिखाई दे रात में, विटामिन ए डी का फ्लोरा बूस्ट आता है पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट में आता है, उसको 30 से 40 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम देना है। ये तो आपको अंग्रेजी दवाई बता दी। एक और दवाई आप लोगों को बता रहा हूँ किसान भाइयों, बछड़ा बछड़े को आपको ले लेना है मछली का तेल। मछली का तेल किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, कहिएगा कि भाई मछली का तेल हमको दे दीजिए। मछली का तेल ले लेना है और बछड़ा बछड़ी को दोनों आँखों में दो दो बूंद मछली का तेल डाल देना है सुबह शाम। दो दो बूंद मछली का तेल आप सुबह और शाम को वो आँख में डाल देना है मछली का तेल। और उसके बाद क्या करना है, मछली का तेल ले लेना है, तेल को 20 से 30 बूंद दूध ले लीजिएगा, एक पुआ दूध ले लीजिएगा, 20 से 30 बूंद मछली का तेल डाल दीजिएगा और बछड़ा बछड़ी को पिला दीजिएगा। इसी तरह 2-4 रोज कीजिएगा ना, उसको आँख का दिखाई देने लगेगा, उस शरीर में जो विटामिन ए डी ई की कमी है वो सब पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह बड़े मवेशी को क्या करना है, ये तो छोटे मवेशी को बता दिए। बड़े मवेशी में एक बीमारी हो तो आप फ्लोरा बूस्ट देते रहिएगा और उसके आँख में 3 से 4 बूंद मछली का तेल डालिएगा। ये रामबाण दवाई ही हमारा आजमाया हुआ दवाई है। ये दवाई मैं 10 वर्षों से 20 वर्षों से देते आता हूँ, करते आता हूँ, बताता आता हूँ, सबको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आँख में डाल दीजिएगा बड़े मवेशी को मछली का तेल और उसके बाद में उसको कम से कम 50 से 60 बूंद पानी में डाल दीजिएगा। सादा पानी है, पानी में 50-60 बूंद मछली का तेल डाल दीजिएगा सुबह शाम, 50-60 बूंद मछली का तेल सुबह शाम पिला दीजिएगा। उसमें शरीर में वो जो विटामिन ई है, डी है, कमी है, सब पूर्ति हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, अपन जो आँख के दिखाई नहीं दे रहा वो बीमारी खत्म हो जाएगी, रात में भी मवेशी को साफ दिखाई देने लगेगी और इधर उधर जो भाग रही है, लड़खड़ा रही है, सब बंद हो जाएगी। किसान भाइयों, ये आप लोगों को हमेशा किसी न किसी मैटर पर हमारे और आपके बीच में बातचीत होता रहेगा। कोई भी दवाई, कोई भी नुस्खा आप हमसे पूछिए, कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि नहीं आप लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे आपको हमेशा बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। किसान भाइयों, आपसे किसी दूसरे मैटर पर, किसी दूसरे विषय पर, किसी दूसरे रोग के विषय में, इस बार आयुर्वेदिक दवाई केवल बताऊँगा और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी अगले बार कल मिलूंगा तो फिर आयुर्वेद और होम्योपैथी अंग्रेजी दवाई नहीं बताऊंगा, कल आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाई के विषय में बात होगा। कोई भी रोग होगा, किसी भी रोग को हमारा दिमाग जो आएगा और दिमाग में सोच करके आप लोग उस रूपये में बात करूँ, उस विषय में बात करूंगा, उस रोग के विषय में बताऊंगा, हमेशा बताता रहूंगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है, कम से कम पैसा में आप लोगों को उचित सलाह, उचित सुविधा मवेशी के रोग के विषय में दे सकूँ, हमारे चैनल को बनाने का मकसद यही है। किसान भाइयों नमस्ते, फिर मिलूंगा।